वडोदरा जिला कांग्रेस में एक और भूचाल आते हुए सावली डेसर तालुका के अग्रणी रह चुके वैसे कुलदीप राहुल जी ने भाजपा का केसरिया धारण कर लिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अब एक के बाद एक वैसे कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। जहां वडोदरा जिला कांग्रेस में एक और भूचाल आते हुए पहले भी विधानसभा लड़ चुके वैसे सावली और डबुई के दोनों उम्मीदवार ने आज घर वापसी करते हुए भाजपा में जुड़े हैं। जहां सावली डेसर में रहते वैसे बरुआ डेयरी के डायरेक्टर कुलदीप सिंह राहुल जी ने भाजपा से बगावत की थी, ऐसे में कांग्रेस के सिंबल पर भाजपा के विधायक के सामने उम्मीदवारी भी दर्ज करवाई थी, जहाँ उनका पराजय हुआ था। ऐसे में अब घर वापसी करते हुए कुलदीप राहुल जी ने भाजपा का केसरिया धारण करते हुए आज गांधीनगर कमलम पर जाने के लिए रवाना हुए थे। देश ना यशस्वी वडाप्रधान विश्व नेता नरेन्द्र भाई मोदी साहेब ना हाथ मजबूत करवा जाजे आजे 500 वर्ष पछी पण राम मंदिर नो मुद्दो जारे उकेलाई गयो छे, आखो देश विकास तरफ हरणफाड़ भरी रह्यो छे, त्यारे नरेन्द्र मोदी साहेब ने वधु संगठित थाय हाथ मजबूत करवा माटे आजे अमे भाजपमां जोडाया छे। આજ રોજ કોંગ્રેસમાંથી અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છીએ। કોંગ્રેસમાં હું મહામંત્રી હતો અને દેસર જિલ્લા પંચાયતનો ઇન્ચાર્જ હતો, પરંતુ કોંગ્રેસમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સંકલન અને કોઈ નેતાજીની સક્ષમ છે નહીં, એટલે અમે ફરીથી ભાજપમાં પ્રવેશ લઈ રહ્યા છીએ। કોની કોની સાથે જઈ રહ્યા છે? અમે કુલદીપસિંહ, પછી અમારા વરસાડના માજી સરપંચ અને ડેસર તાલુકા સાવલી તાલુકાના ઘણા બધા 2000 કાર્યકરો સાથે અમે જોડાયા।